स्पष्ट वेदन होता है वो मोक्ष में होता है कि मालूम नहीं है, वो एनलाइटमेंट होता है ना, जो उधर बोलता है ना कि स्पष्ट वेदन होता है, तो वो क्या चीज? स्पष्ट वेदन ये शब्द ही पहली बार सुना लवाट हिंदी पकड़ के बताओ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। सतोरी और इसी बात करें, समाधि या सतोरी ऐसी दो चीज होती है, इसकी बात करें स्पष्ट वेदन ने स्वसंवेदन के स्पष्ट वेदन था शायद फर्स्ट ग्लिम्स स्पष्ट वेदन 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 आई थिंक इज सेइंग आई थिंक वेदन इज सेइंग स्पष्ट वेदन के पियर्सिंग इट्स अ सेइंग द ट्रुथ आई बिलीव That's the maybe translation, I guess. Pain होता है realization में, शुरुआत में वो बता रहे हैं कि realization की first glimpse में कुछ pain होता है आदमी को, ऐसा ना self realization होता है enlightenment के पहले, हाँ मैंने पीड़ा होती है, हाँ या पीड़ा होती है, हाँ वो क्या वो क्या होता है कि तुम्हारा जितना भी जहर होता है शरीर में और मन में, जब कोई आदमी ध्यान साधना से गुजरता है तो वो बहुत संवेदनशील हो जाता है, जब संवेदनशील होता सेंसिटिव होता है तो उसके जितने भीतर जहर पड़े होते हैं वे सारे जहर खुलने लगते हैं, और जब जहर खुलेगा तो पीड़ा देगा, भारी पीड़ा होती है, और इस पीड़ा में से बहुत सारे लोग एनलाइटनमेंट को छोड़ देते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन इससे तो गुजरना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इस पीड़ा में से गुजर जाए, वो पीड़ा ऐसी होती है जो आप पूछ रहे हैं, शायद मैं जो समझा हूँ एनलाइटनमेंट के थोड़े पहले की बात है, जैसे आपको बिच्छुओं ने काट लिया, आपके शरीर में जैसे जहर फैल गया, ऐसी पीड़ा होती है। उसमें आपके उस पीड़ा में जन्म जन्म के संस्कार, इस जन्म के नहीं जन्म जन्म के संस्कार पूरे राख हो जाते हैं, आपकी सफाई हो जाती है। जिस तरह से उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि सोना बहुत गहरी आग में जल के विजाती पूरी चीज को छोड़ देता, उसी तरह से जो बोध की आग जब जलती है तो ये जितनी विद्याती चीज़ें हैं जो पूर्ण रूप से हमला करती हैं प्रकट होती हैं, लेकिन बोध की आग इतनी प्रबल होती है कि वो सारे जहर को जला देती है। जब एक बार तुम्हारे सारा, क्योंकि एनलाइटनमेंट के बाद किसी भी तरह की पीड़ा होती नहीं है, एनलाइटनमेंट के बाद शोक विदा हो जाता है, मतलब आपके रूट में ही नहीं बचता तो आएगा कहाँ से। ऐसा कहते हैं कि परमात्मा अपने आने के पहले आपको इतना हिलाता है, इतनी सफाई करता है कि जब आपकी पूरी सफाई हो जाती है इतनी पवित्रता में वो विराजता है। और जितना ज्यादा आपने देखा होगा, जितनी ज्यादा तुम संवेदनशील और साफ हो गई, जैसे कोई आदमी ध्यान साधना करता हो गहरी, एक बूंद शराब भी पी ले, एक बूंद शराब से पूरे शहर में जहर फैल जाएगा उसका, एक बूंद भी भारी पड़ेगी और लोग बोतलें पीते हैं क्योंकि उतनी संवेदना ही नहीं है। तो जैसे जैसे तुम्हारी संवेदना बढ़ेगी, ये जितना दबा हुआ जहर, ये सारा जहर हमला करेगा तो भारी पीड़ा होगी, वो प्रसव जैसी पीड़ा होती है, जैसे बच्चा गर्भ में से निकलता है तो आखिरी पीड़ा होती है गर्भ से निकलने की। इसी तरह से तुम्हारे अंदर का सारा जहर हमला करता है और उसको फाड़ के, उसको गला के तुम उसमें से बाहर निकलते हो, उसकी पूरी सफाई हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास चेतना इतनी प्रबल हो गई, चेतन इतना जाग गया है कि किसी की नहीं मान रहा, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती है, वो तूफान की तरह चेतना खड़ी हो गई तुम्हारी। तो ये जन्म जन्म की चीजें, पहले तो हम जब साधना करते हैं तो इस जन्म की चीजें अटैक करती हैं, लेकिन जब हमारी साधना फल जाती है, बिल्कुल पक जाती है हमारी साधना, तब हमारे भीतर जितना जन्मों का पड़ा होता वो सब अटैक करता है पूरा का पूरा, लेकिन जागृति इतनी पावर में खड़ी होती है
कि उसको सबको स्वाहा कर देती है। और जब वो स्वाहा होता है, जैसे ही वो स्वाहा हुआ कि तुम्हारे अंदर एनलाइटनमेंट आ जाता, तुम प्रकाशित हो जाते हो, तुम्हारे अंदर कोई अंधेरे नाम की चीज बचती नहीं। फिर वो हमेशा हमेशा, क्योंकि रूट में ही नहीं बचा, जन्मों का ही नहीं बचा, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का, क्योंकि ये घटना आखिरी होती है। अगर इस घटना में भी कोई चीज अगर बच गई तो फिर कब गायब हो गई। तो परमात्मा के आने के पहले परमात्मा अपने स्थान को साफ करता है पूरा, चेतना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि इस तरह की पीड़ा होती है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं की जाती, नहीं डर जाते हैं लोग, अक्सर बताया नहीं जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इतनी पीड़ा से कौन गुजरेगा, आफत इतनी पीड़ा होती, आप आश्चर्य करोगे। मैं अपनी बात कहूँ, मुझे आखिरी आखिरी में ऐसा लगने लगा था, मैं गंजा उसी से हो गया था, मुझे ऐसा लगता था मेरा सर फट जाएगा और इस पर रोटी सेक ले को इतना गर्म होता था। तो मैं क्या करूँ, रात के मिट्टी बांधूँ सर में, काली मिट्टी के जो ठंडक हो जाए रात पे, घर में तो मैं सोते ही नहीं था, बाहर रहता था, और निर्णय करूं कि अब कल से ध्यान म्यान की बातें नहीं करना। और सवेरे वो तो चेतना भभक रही है, वो मानती है, फिर शुरू है मामला, और फिर वही हालत हो, ऐसा थोड़े दिन चलता रहा, और जब वो सारा जहर गल जाता है तब आप बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं और चीज़ें सहज रूप से होती। इसलिए पीड़ा को नकारना नहीं चाहिए। साधक जो है, किसी भी तरह की पीड़ा अगर है तो उसका संस्कार विदा हो रहा है, ये मानना चाहिए, उसे पीड़ा को स्वीकारना चाहिए, किसी भी तरह की पीड़ा है। अगर नकारते चले गए तो आखिरी में जो सघन होकर आएगी, अगर आप क्रॉस हो रहे हैं, आप परमात्मा की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो विजाती चीज एक भी आपके अंदर नहीं बचना चाहिए, वो विजातीता पूरी की पूरी विदा होगी और फिर ऐसी पीड़ा होती है। तो कभी भी जीवन में पीड़ा आती है, दुख आता है, उसे सौभाग्य से लो, उसे शिकायत से नहीं, जे मानो को संस्कार विदा हो रहा। पीड़ा आई क्यों, निश्चित संस्कार कोई विदा हो रहा होगा। उसे बहुत जागृत होकर देखो, बहुत जागृत होकर देखो, उसे अभी हजम कर लो, आगे मत जाने दो। हम क्या करते हैं कि दवाई से पीड़ा को छुपा लेते हैं। अब तुमने छुपा ली तो कान का दर्द तो ठीक हो गया, डाढ़ में शुरू हो गया, अब वो संस्कार है, वो तो मानेगा ही नहीं, और डाढ़ का बंद हो जाएगा तो कोई और जगह आंख में दर्द शुरू हो जाएगा तुम्हें, तुम दर्द के बाहर नहीं जा, तो जो आया है उसी को भोग लो ना, काहे को इधर उधर करते हो। तो जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, जो भी शिकायत है, जो भी परेशानी है जीवन में, परेशानी चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, साधक का धर्म है कि शिकायत ना करे। अगर शिकायत है तो साधक नहीं। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये क्यों हो रहा है, तो वो साधक नहीं है। साधक का मतलब ही ये है कि किसी भी तरह की परिस्थिति अगर है, आप कंगाल हो गए तो भी नहीं, अमीर हो गए हैं तो भी नहीं, और जिस तरह की भी परिस्थिति आपकी आ गई है उसको इतने जोर से स्वीकारो, आप इतने जोर से स्वीकारने का मतलब है जागृत होकर उसे जियो, उसे इस मोमेंट में जीने की कोशिश करो, जे मोमेंट उसे विदा कर देगा, राख बना देगा पूरा का पूरा। तो साधना में हमारी धीरे धीरे सफाई होती है, फिर भी कुछ बच जाता है। तो इस जन्म का तो हम साधना से जला देते हैं, जितनी भूलें चूके की हैं हमने, इस जन्म की सब साधना जलाकर राख कर देती है। लेकिन समाधि के पहले, क्योंकि समाधि तो अनंतता का नाम है, वो तो जहाँ से आपकी चेतना शुरू हुई है वहाँ से अभी तक का जितना भी बखेड़ा होगा, जितना भी जहर होगा, वो सब इकट्ठा हो जाएगा। और वो जहर जब अटैक करता है तो साधक को ऐसा लगता है कि सैकड़ों बिच्छुओं ने काट लिया, इतनी पीड़ा, लेकिन चेतना जिसकी प्रबल हो गई, आखिर वो घटेगा भी उसी को जिसमें झेलने की ताकत होती है, उसी को घटता है। हम कहते जरूर हैं कि हमें असहनी पीड़ा है, हम झूठ बोलते हैं, किसी को असहनी पीड़ा नहीं होती। असहनी पीड़ा अगर होगी तो तुम मर जाओ। पीड़ा हमेशा सहनी होती है, क्योंकि पीड़ा उतनी ही निकलती है तुम्हारे अंदर जितनी तुम सहन कर सको,
उससे ऊपर कभी किसी को पीड़ा नहीं होती, प्रकृति से भूल नहीं होती है। ये तो हम कहते जरूर है, हम शिकायत किसी भी आदमी को किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि असहनीय है। आपको वो पीड़ा इसलिए दी गई है कि आप उसे सहन कर सकते हैं, इतनी क्षमता है आपकी। और अगर पॉजिटिविटी आ गई आपकी, आपने उसको उस ढंग से देख लिया कि ये सब मेरा खेल है, जवाबदारी किसी पर नहीं डाली, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, वो पीड़ा विदा हो जाएगी आपकी। और अगर आपने ये मानी कि नहीं यार ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड उसकी कृपा से चल रहा है, आपका जीवन सब परमात्मा से चल रहा है, गलत तो आपके जीवन में पैदा हुए जब से आज तक नहीं हुआ, कभी किसी के जीवन में गलत होता ही नहीं है, किसी के जीवन में गलत नहीं होता, क्योंकि किसी का जीवन किसी के हाथ में कहां है कि गलत होता। ये तो बहुत अद्भुत ढंग से उसकी रिफाइनरी में काम चल रहा, आप रिफाइंड से रिफाइंड होते चले जा रहे हैं। आपकी एक अवस्था थी तो सॉलिड थी, अब बिल्कुल पत्थर जैसी थी, वो पत्थर टूट टूट कर तरल होता चला जा रहा। अब उसको तुम ये समझते हो कि तुम पे आफत आ रही, कोई आफत वापत नहीं, प्रकृति का एक आयोजन है कि तुम्हारी कठोरता को तोड़ने के लिए, और कठोरता पीड़ा से टूटती है। अभी संसार में भी आप देखना बहुत गहरे में, बड़ा न्याय है, दिखता न्याय है। कोई आदमी को देखो गाड़ी से ठुक रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं, ठेवा लग रहा है उसका, इतनी परेशानी से गुजर रहा, देखने में जो लगेगा इसके साथ अन्याय होगा। लेकिन जो हायर मैथमेटिक्स है वो ये कहती है कि वो इतना कठोर है, बिना इस पीड़ा के जागे गई नहीं, इतनी कठोरता है उसके भीतर। और जितना कठोर बीज होगा उतने ही बड़े हथौड़े से टूटेगा, उसको प्रकृति तो तोड़ रही है और तोड़ के उसको तरल बना रही है, वो उसका खेल है, क्योंकि तुम पदार्थ से चेतन हो रहे हो, अद्भुत घटना घट रही है तुम्हारे भीतर, और पदार्थ से चेतन हो रहे तो पदार्थ की जो कठोरता है वो तो प्रकृति धक्के मार मार के ठीक करेगी ना, वो कठोरता को तोड़ेगी, तो लगेगा जैसे कि कोई मेरे पीछे ही पड़ा, कोई नहीं पड़ा किसी के पीछे, यहां किसी को खबर ही नहीं है कि किसी के लिए क्या करना, सारा खेल आयोजन प्रकृति का है, तुम्हें तुझे खेल देखना है पूरा का पूरा। उस इस खेल के अगर स्वीकार भाव से साक्षी हो जाओ तो इसी जन्म में तुम्हारा, अब जन्म दूसरा इसलिए मिलता है कि तुम जो जो मौके आते हैं ना उन्हें चूकते जरूर हो, वो भूल जरूर करते हो, उसे अवॉइड करते हो, उसे छुपाने की कोशिश करते हो, उसे फेस नहीं करते, फेस नहीं करते तो वो लौट लौट के आती है, और इतनी लौट के आएगी कि अगले जन्म में भी आएगी। इसलिए जो भी घटना घटे जीवन में उसे इतने सहज ढंग से स्वीकारो कि मेरी जागृति के लिए यही घटना ज्यादा सही होगी इसलिए घटी, ऐसे मान के चलोगे तो निदान निकलता चला जाएगा, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे आर्थिक पीड़ा हो और चाहे दैविक पीड़ा, ये चार तरह की पीड़ाएं होती, दैविक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक, ये चार तरह की पीड़ाएं होती। तो इन चार ही तरह की पीड़ाओं को आप वरदान की तरह अगर मानेंगे, साधक जैसे ही सन्यासी कोई होता है तो उसका संकल्प ही बदल जाता है। संसारी का संकल्प है हर चीज में शिकायत, सन्यासी का हर चीज में अहोभाव, क्योंकि हर चीज तुम्हें तोड़ने का काम, अब तुम्हारे मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, जो जो भी खेल चलता है बहुत गहराई से देखना, प्रकृति का ही आयोजन है, कोई नहीं कर रहा है, प्रकृति तुम्हारे इतने प्रेम में है कि बहुत बहुत तरह से तुम्हारी कठोरता को तोड़ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और तुम्हें ज्यों का त्यों अगर ये समझ में आ गया, गेस्टाल्ट बदल गया, तो तुम धन्यवाद से भरोगे हरेक की, हरेक के प्रति तुम्हें धन्यवाद उपजेगा, शिकायत नहीं उपजेगी। क्योंकि देखो एक आदमी जा रहा है, एक आदमी जा रहा,
और उसे किसी आदमी ने कुछ बोल दिया गलत, अब गलत और सही अगर गहरे से देखो तो क्या होता है, उस समय तुम अपने प्रति एक अच्छा सा सपना देख रहे थे। आप हर आदमी अपने लिए तो अच्छा ही सपना देखता है, मतलब वो एक स्वतंत्रता है उसे अच्छा सपना देखने की कि वो बड़ा अच्छा आदमी है ऐसा सपना, और दूसरे ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, धक्का मार दिया। अब उस गरीब ने क्या किया है, उसने ये किया है कि आपके सपने को तोड़ दिया और कुछ नहीं किया, और आप तिलमिला गए। अब कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सिर्फ बातचीत ही हुई है, कुछ कह दिया है आपसे जो आपके फेवर में नहीं है ऐसा बोल दिया। तो हुआ क्या है, यहाँ इस जगत में हम एक दूसरे का जो व्यवहार कर रहे हैं वो दो ही तरह के व्यवहार होते हैं, या तो हम तुम्हारे सपने को गवाह बन जाते हैं कि तुम जो सपना देख रहा बहुत सही देख रहा, तो तुम्हें हम अच्छे लगे। अब यहाँ अच्छे बुरे का मापदंड देखो कैसा है, या फिर हम आपके सपने को तोड़ दें, और जब हम तोड़ देंगे तो हम बुरे आदमी हो गए। अब हमने आपके साथ कुछ किया ही नहीं है, वजह देखिए प्रैक्टिकल तो कुछ हुआ ही नहीं है, और हम तुम्हारे मित्र भी हो गए, हम तुम्हारे दुश्मन भी हो गए, प्रैक्टिकल कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ कि हम गहरी नींद में सोना चाहते, हमें सपने में रहने की इतनी आदत है, इतनी आदत है, इतनी आदत जिसका कोई हिसाब नहीं। तो सारी प्रकृति जो खेल खेल रही है, साधना जब आदमी नहीं कर रहा होता है तो प्रकृति का तो अभियान जागरण का चल ही रहा होता है, क्योंकि प्रकृति तो जागृति पर भरोसा कर रही, तुम्हें अपने में से उठा रही, क्योंकि तुम पशुता से आया और तुम्हारी पशुता को तोड़ने का पूरा आयोजन कर रही है। तो वो एक से दूसरे को सहयोग करके धक्के मारती है, ऐसा खेल पति पत्नी में मारता, पत्नी पति सब ऐसे ही चलता, सब एक दूसरे के अहंकार को तोड़ते, एक दूसरे को सपने को तोड़ते और कुछ नहीं करते। किसी को दुखी करने में रस नहीं है यहाँ, क्योंकि व्यक्ति तो है ही नहीं, ये है समष्टि का खेल। क्योंकि यहां जो है एक परस्पर तंत्रता है, यहां हम एक परस्पर तंत्रता को जी रहे हैं, और ये परस्पर तंत्रता एक दूसरे को सहयोगी भी है, एक दूसरे का सपना तोड़ रही है और थोड़ा सुलाने का काम भी कर रही है, दोनों खेल हो रहे हैं इसमें। तो जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अच्छा होगा, और जब हमें जगाया जाता है तो लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा। तो पूरा विज्ञान अगर गहरे से हम उठा के देखेंगे तो तुम पैदा हुए हो जब से आज तक तुम्हारे हित में ही हो रहा सब कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई आदमी रियलाइज होता है तो उसे एक बात साफ हो जाती है कि मैं जिस दिन पैदा हुआ था उससे, या मेरा पृथ्वी पर जन्म जब से भी आया है तब से आज तक जो कुछ भी हुआ है वो मेरे हित में हुआ है, क्योंकि कोई और तो था ही नहीं, जो प्रकृति का आयोजन था और प्रकृति मुझे यहाँ पहुँचा रही थी। तो सारे दंड बैठक लगवाए और इतने धक्के खिलवाए, और धक्के खाते 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 वो पत्थर टूटता है चट्टान से तो बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, उसमें बहुत सारे वो होते हैं कॉर्नर, और फिर पानी उसमें धक्के मारता है, मार मार के गोल गोल घूम घूम के बिल्कुल गोल हो जाता है। जब वो गोल हो जाता है लोग उसे उठा लाते हैं, सालग्राम बोलते, पूजा करने लगते हैं, ये पत्थर बड़ा गजब का। अब उसने कितनी यात्रा की है गोल गोल होने के लिए, इतने पापड़ बेले जिसका कोई हिसाब नहीं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके धक्के खा के आ रहा। अब ये ऐसा ही सब हमारे साथ, जिस दिन गोल गोल हो जाओगे उस दिन पता लगे। अभी क्या है कि कोना है किसी में घुस जाता है, कोना कोने से टकरा जाता है, तो अब टूट जाता है तकलीफ होती हो तो गोल ही रहे हो, तकलीफ क्या है इसमें, जिस आयोजन गोल होने का हो रहा। तो अभी ये विज्ञान समझ में नहीं आता। अब समस्या क्या है कि मैं उस जगह पे बैठा हूं तो मुझे सरल लगता ये कहना, और आप जिस जगह है वहां आपको बड़ी आपसी लग रही, लेकिन करो क्या, संवाद तो आपसे ही करना। समस्या ये है कि मैं दोबारा से तो घूम नहीं सकता, तो संवाद तो बातचीत तो मुझे आपसे करनी है। तो कभी समझ बैठ जाए तो इतना जरूर है कि मेरी बात से तुम सुखी हो जाओगे, और तुम्हारे लिए कितना ही बड़ा झटका लगा हो तुम उसे स्वीकार कर लो, और उसे मानोगे फेवर, उसे मानोगे कि बड़ा झटका
बड़ा वो था कोना, वो टूट गया, थोड़े और नौके टूट गई आपकी, और धीरे धीरे करते 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 आप बिल्कुल सालक राम हो जाओ। जो भी देखेगा उसका दिल करेगा कि यार अपने घर उठा लाते, पूजा शुरू कर देते हैं। सालक राम का मतलब एक देवता होता है, शायद सुना होगा आपने, एक पत्थर होता है, उस पत्थर की पूजा करते हैं। जब वो गोल गोल होता है, वो आकार ऐसा ले लेता है बहुत बढ़िया, तो लोग आए उसकी पूजा करने, उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं होते, तो उसे अरूप के नाम से पूजा जाता है, उसका कोई रूप नहीं है। गणेश जी तो सूंड है, उपद्रव, वो ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं है उसमें, तो उसको बहुत यूनिक पत्थर मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं लोग। ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। तो हमारी सबकी स्थिति ये है कि चट्टान से छूटे, गोल गोल घूम रहा है, कोई दूसरी चट्टान टकरा रही है, इधर से उधर ऐसे खेल हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, वो प्रकृति कर रही है पूरा। तो एक तो साधना प्रकृति दत्त हो ही रही है, फिर कोई गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए तो वो क्या करेगा कि तुम तो साधना रोते रोते करोगे, हर घटना में रोगे, हर घटना में रोगे, अहोभाव पैदा नहीं होगा। और जब गुरु मिलेगा तो हर घटना में अहोभाव, अब पूरा गेस्टाल्ट बदल गया, तो वही घटना तुम्हें जो है सरल पड़ गई कि अब कोना टूटवाने तैयार हो तुम, और कहीं से टूटे तो फिर मजा आएगा कि नहीं, कि अच्छा हो गया। और प्रकृति तोड़ती है, तुम टूटवाना नहीं चाहे, उसी की पीड़ा, और प्रकृति मानती नहीं है। तुम कितनी कोशिश करो, इधर से बचोगे उधर टूटोगे, उधर से बचोगे तो उधर, क्योंकि तुम तो लुढ़कते ही चले जा रहे हो ना। जीवन एक बहाव है, जब तक सालक राम ना हो जब तक यही चलेगा सारा खेल। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सूत्र तो कुछ इतना सुंदर है साहब, और जीवन इतना सुंदर है, इतना सुंदर जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उसको जीने का तरीका गलत है। वो तरीका बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं भी प्रयास करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारा अभी इसी क्षण से जीवन परिवर्तित हो जाएगा, तुम इसे स्वर्ग की तरह देखने लगोगे। अब तो शायद कोई प्रश्न बचे नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रश्न बचा होगा।